सप्ताह में कितने दिन आपकी दरबार जो यहाँ पे सजती है? शुक्र मंगल और तो अर्ज में तो बाल बच्चा आते हैं, हम मगम में रहते हैं। मगम मतलब? मगम रहते हैं, खुशहाली में रहते हैं। अच्छा, मुस्कुराते रहते हैं। हाँ। अच्छा, ये जो बीमारी को आप ठीक करते हैं, लोगों से मिलते हैं, हजारों दस हजार लोगों से, कितना अच्छा लगता है आपको? बहुत खुशी आते हैं। माँ को, माँ जो दस बच्चा पैदा करता है उसको फेंक देता है? कभी नहीं फेंकता, सबसे प्यार करता है। तो सब बच्चा मेरा प्यारा है, हम प्यार से रहते हैं, बीच बीच में मल करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अच्छा से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हाँ। अच्छा, एक बात और बताइए, आप तन्हाई में कब बहुत अच्छे अपने आप को महसूस करते हैं? मुस्कुराहट कब आपके चेहरे पे आती है? हथघड़ी। हाँ। हथघड़ी मतलब हमेशा? हमेशा मेरा खुशी आता है। हाँ। मेरा खुशी ऐसा आता है कि हम कितना भाग्यशाली हूँ जो मेरा इतना बच्चा अंदर आता है। भाग किसी का नसीब होता है जिसका द्वार पर लक्ष्मी आता है, और सबके दरवाजे पर लक्ष्मी नहीं लगता है, जो किस्मत वाला रहता है उसी के द्वार पर लक्ष्मी आता है। क्या इस बात को मान लें हम, माता रानी किस्मत वाली है? ये तो हमारा माता की किस्मत नहीं, ये जनता की किस्मत। आप हर बात में कहते हैं जनता जनता जनता, जनता से पूछ लीजिए, हम आपसे बात करें फिर जनता से क्या बात करेंगे? इसीलिए जो जनता जनता के पूछना ये अतम जरूरी है। अगर जनता से नहीं पूछल जाए तो हम क्या बता सकते हैं? अगर मेरा एक और सवाल होगा कि लोग ये जानना चाहते माता रानी कौन है, तो आप क्या कहना चाहती हैं? हम तो बोलते हैं कि देखिए, माता सदा सदा रानी है और हर बच्चा का बीच में मगम रहते हैं। जैसे कन्हैया जी ने हर का घर में मगम रहते थे, हमको मगम रहते हैं। हमेशा मगन रहते हैं। एक और सवाल है, परिवार में कितने लोग हैं? मेरा परिवार दो बेटा दो बेटी एक पोतो, ना इतना तो सब है, यानी पूरा घर भरा पूरा है। हाँ, पोतो भी का, फिर भी हम दादी बनने वाला हूँ। अच्छा, दादी बनने वाले हैं, यानी घर में नन्ना मेहमान आ गया, घर पे काफी खुशी का माहौल। हाँ, बहुत खुशी। हाँ। मैं पूरा परिवार खुश रुको भी आता है, मेरा बाल बच्चा आता है, उसमें उसको जो हम खाते हैं खा लेते हैं। अच्छा, कभी परेशान होते हैं इतना सब कुछ करने के बाद? कभी तंग होते हैं? कभी परेशानी भी सामने आती है? खुशी आता है। हाँ। बहुत खुशी। हाँ। कितना इतना भीड़ को कैसे संभाल लेते हैं? मैंने कल देखा कि काफ़ी संख्या में लोग आपको घेरे हुए थे, और आप जाती हैं, प्रणाम करती हैं, लोगों से बात करती हैं, लोग बैठ जाते हैं, अब फिर जब बीच में जाते हैं तो लोग खड़ा हो जाता है, कैसे संभालते कैसे उस भीड़ को आप? बच्चा माँ को नहीं सताएगा तो किसको सताएगा? अच्छा, यानी आप सबकी माता जी हैं। तो मेरा बाल बच्चा है, कभी हमारा साथ बदमाशी करता है। हाँ। कभी मेरा साथ मगम में रहता है। हाँ। कभी मेरा बात भी मान जाता है। हाँ। कभी मेरा बात से बाहर हो जाता है। माता गुस्सा का इजहार नहीं करती है? गुस्सा माँ को आता है, बाल बच्चा को गुस्सा आता है, माँ को कभी गुस्सा नहीं आता है। अच्छा, यानी आप सबकी माता जी हैं, गुस्से का इजहार नहीं करते हैं, मोहब्बत से सबको साथ लेकर चलते हैं। सही। अच्छा, आज जो है ना, आज बुधवार है ना, बुधवार है, बुधवार का दिन है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग आपके दरबार में आए हुए हैं, और आपने कहा कि सप्ताह में दो ही दिन दरबार लगाते हैं, मतलब शुक्रवार और मंगलवार को, लेकिन आज भी तो लोग आए हुए हैं आपके पास। ये बाल बच्चा जो कल नहीं मिले थे ना, इसको रात में नींद नहीं आया था कि जब माँ से नहीं मिला था, इसलिए मिलने के लिए आया। अच्छा, रात में इन लोगों को नींद नहीं आई है, और आपसे मिलेंगे, आपका दीदार करेंगे, आपसे बात करेंगे, और ये आपके ये सारे लोग आपके बच्चे? हाँ, तो मेरा बच्चा बोले थे क्या माँ से नहीं मिले थे, तो नहीं मिले थे तो बोला कि मैं जाता हूँ मिलने के लिए, इसीलिए सारे लोग चले चलाए। तो आप आशीर्वाद दे रहे हैं सबको? मेरा बच्चा खुशी रहे, मैं भी खुशी हूँ, और जितना मेरा संचार है उतना सेवा करने के लिए चाहता हूँ। अच्छा, आपके दरबार में सबसे ज़्यादा महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं, भैया आते हैं, चाचा आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, कौन सबसे ज़्यादा तादाद किसकी होती है? मैं सबकी माँ हूँ, सबकी करता हूँ, यानी सबका आप बेड़ा पार लगा देते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं? बताइए, आप और भी कुछ कहना चाहते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं? थोड़ा अपना पता बता दीजिए, जहाँ आप रहती हैं, कब कब आप घर पर रहती हैं? नहीं, पढ़ा लिखा मैं नहीं हूँ, मेरा ये पता नहीं है,
और ये भी जानता हूँ कि जो हम मैं स्वाधाम ससुराल में हूँ, मधेपुरा जिला है, और ये भी पता हमारा नहीं है, उसको बता दीजिए। अच्छा, उनसे हम पूछ लेंगे, ठीक है। देखिए, माता रानी के दरबार में पिछले कई दिनों से हम भी परेशान थे कि माता रानी से बातचीत हो जाए और हम उनका इंटरव्यू करें। जो जनता का सवाल है, जो लोग ये सवाल पूछते हैं, माता रानी को इतना शक्ति कहाँ से आता है, दक्षिणा कितना मिलता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, किस प्रकार की माता रानी इलाज करती है, इन सारे सवाल को आज जानने के लिए हम माता रानी के पास पहुँचे हैं। बुधवार का दिन है, सुबह का वक्त है, दरबार सजी हुई है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, बुज़ुर्ग भी है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान हैं, सारे लोग आ रहे हैं। और माता जी एक ही बात कहती है, ये सब हमारा बच्चा है, हम सबसे मिलेंगे, सब खुशहाल रहे, परिवार रहे। लेकिन एक अहम और ख़ास बात ये निकल कर सामने आई कि माता रानी के घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है और माता जी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। ये बड़ी बात माता रानी ने अपने बारे बताई। हाँ। मेरा नाती है, नेत है, दामाद है, और एक मेहमान आने वाला है। और इतनी अब दादी माँ बनने वाली, हाँ, ठीक है, माता रानी अब दादी माँ बनने वाली है, घर में खुशहाली आने वाला है। और ये दूसरा खुशहाली यहाँ पे भारी संख्या में बुधवार के दिन भी लोगों की बड़ी तादाद लगी हुई है। सुबह का वक्त है, यहाँ पे आना जाना लगा रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मंगलवार और जो है और शुक्रवार को दरबार सस्ती है, माता रानी आती हैं, लोगों से मिलती है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जब लोग आपसे अपनी बात बताते हैं तो आप जड़ी कौन सा देते हैं, किस तरह की, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग जड़ी होता है या? मैं कुछ जरी नहीं देते हैं, हम कहता हूँ कि एक गाछ का छाल है जाइए पी लीजिए, एक गाछ का छाल है जाइए पी लीजिए, बस इतने कहते हैं। आप कल जो है दौड़ा में चावल भी था, लड्डू भी था, सुपारी भी था, पानी भी था, वो भी आप दे रही थी? मेरा चावल, मेरा लड्डू, मेरा पान, तो मेरा बाल बच्चा आता है क्या, माँ मेरे हाथ से प्रसाद ग्रहण कीजिए, मैं सुगंधी ले ले तो अपना बाल बच्चों को दे देता। अच्छा, यानी उसी से सबका ठीक हो जाता। हाँ, वही देता। तो चलिए, बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।